देखते हैं मोदी सरकार ने 2021 का बजट पेश किया है। हालांकि सरकार के सामने कोरोना काल को लेकर काफ़ी चुनौतियां भी रही है, फिर भी सरकार का कहना है कि इस साल का जो बजट है काफ़ी बेहतरीन है और सभी लोगों के लिए लाभकारी है। तो जानते हैं कि हमारे देश के नागरिक, व्यापारी, मध्यवर्गीय परिवार क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं इस बजट के बारे में। भाई, ये बात करते हैं न्यामतपुर मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सचिव सचिन बालोदिया जी से। सर, 2021 का बजट आपको, आपकी नज़र में क्या है, कैसा है बजट? जो है वो इलेक्शन को देखते हुए बनाया गया है। इसमें आम नागरिक और जो छोटे व्यवसायी और मध्यम वर्ग के व्यवसायी है, हमें नहीं लगता कि उनको कुछ मिला है। इसमें क्या खामियां रह गई हैं मोदी सरकार की तरफ से? टैक्स लाभ में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, ताकि हम लोग सोच रहे थे कि भारी कोई छूट की आशा हो या कोई नया। बढ़ाया भी तो नहीं गया है? बढ़ाया नहीं गया है, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी हम लोग इतना मार झेल रहे हैं पेट्रोल डीजल से लेके सभी चीज़ की महंगाई बढ़ते जा रही है। महंगाई को कम करने के लिए कोई कदम नहीं लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और ख़ासकर व्यापारियों के लिए कोई भी स्कीम नहीं है। व्यापारी फुल टैक्स देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए कोई नया तरह का कोई स्कीम नहीं चालू किया गया। मिडिल क्लास के लोगों के लिए क्या रहेगा इस बजट में, मतलब कैसा रहेगा पूरा सा? मेरे हिसाब से बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा मिडिल क्लास के लोगों को। हम लोग जैसे मिडिल क्लास हो या आम ये हो, बहुत ही दिक्कत है। इस बजट में तो हेल्थ और स्वास्थ्य के लिए जो है काफ़ी कुछ किया गया है। बोला तो बहुत कुछ जाता है, देखा जाए आगे क्या क्या हम लोग को मिलता है। बजट में घोषणाएं तो बहुत होती है, घोषणाएं को फॉलो करना भी बहुत बड़ा एक चुनौती होगा। आप एक बिजनेसमैन हैं, आपकी क्या अपेक्षाएं थी इस बजट से? बेसिकली हम लोग तो टैक्स की मार से झेल रहे हैं। यहाँ पे जैसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग टैक्स एक बहुत बड़ा समस्या है हमारे यहाँ, तो वो समस्या को आज तक कोई दूर नहीं किया गया है। ऐसे भी किस ऊपर से आपका और एक इनकम टैक्स का जो असेसमेंट का जो आपका ये था, 6 साल में इनकम रिन्यूअल जो है इनकम टैक्स असेसमेंट का, 6 साल के जगह 3 साल कर दिया गया है रीओपनिंग, तो उससे भी व्यापारी को काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, दिक्कत आएगी। जीएसटी को लेकर भी कोई समस्या चल रही है आपको? जीएसटी में क्लैरिटी नहीं है, बहुत आदमी लोग को बहुत क्लैरिटी नहीं है जीएसटी के ऊपर कैसे क्या होगा। अभी भी बहुत लोगों को बहुत कुछ का स्लैब का बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि जीएसटी जो है जीएसटी आर उलझा दिया है बिजनेस में। सही है, सही बात है, बहुत लोगों को अभी भी जीएसटी के बारे में क्लियर नहीं है। धन्यवाद। एक्चुअली न्यामतपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव गुरविंदर सिंह हैं। सर, इस बार का जो मोदी सरकार का बजट है आपके नज़र में क्या मायने रखता है? नमस्कार। कल हमें बहुत आशा थी और हम लोग बेसब्री से बजट का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान, कोविड-19 के दौरान व्यापारियों ने सबसे ज़्यादा मार झेली है। 3-4 महीने बिल्कुल लॉकडाउन था, उसके बाद मार्केट से कस्टमर नदारद हैं, और हमें जो है अपने जो हमारे स्टाफ हैं उनको पेमेंट लगातार देनी पड़ रही है। तो हम लोग चाहते थे कि सरकार हमारे लिए, मध्य वर्गीय के लिए कुछ ना कुछ अच्छा बजट मिल जाए, क्योंकि इससे पहले भी घोषणा दी गई थी कि हमें कुछ साधन जुगाड़ करके दिए जाएंगे, पर वो केवल लोन के समान ही हमें मिला। और हम लोग देखते हैं कि लोन देने के लिए भी हमें बैंक में बहुत बार आना जाना पड़ता है, बहुत बार चक्कर लगाना पड़ता है, हमें लोन मिलता नहीं। तो बजट से हम लोग बहुत आशा कर रहे थे। बजट हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि अभी वैक्सीन लगानी सबको बहुत अत्यंत जरूरी है, और हम लोग देख रहे हैं कि कृषि आंदोलन भी बहुत जोर शोर से चल रहा है, तो कृषि आंदोलन के लोगों की भी जो मांग थी उसको कुछ हद तक पूरा करने का प्रयास किया गया है कि लोन दिया जाएगा, पर लोन इतना साधारण ऊपर नहीं मिलता। लोन लेने के लिए हमें बार बार बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं, और लोन से भी हम लोग ये देखते हैं कि लोन से हमारे ऊपर और ज़्यादा कर्ज बढ़ता चला जाता है, तो जो छोटा किसान है वो और कर्जदार हो जाएगा। चाहिए तो ये था कि MSP लागू की जाती, इसके लिए गारंटी दी जाती, बहुत सारी आशाएं थी कि किसानों को भी बहुत सारा लाभ होगा, पर ये दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और मध्य वर्गीय को बहुत ज़्यादा जरूरत थी, खासकर जो बिचौले टाइप के जो दुकानदार हैं, जो भाई हैं, जो 40 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं,
उनके बारे में बहुत कम सोचा गया है और बजट में बिल्कुल भी उनके लिए कोई भी साधन का बंदोबस्त नहीं किया गया। आपको क्या लगता है ये बजट चुनावी मुद्दा बन के रह गया? देखिए ये तो भारत की एक त्रासदी रही है, दुर्भाग्यपूर्ण जो भी सरकार रहती है वो चुनाव के दौरान ही एक्टिव होती है और चुनाव की तरह ही एक बजट को पेश किया जाता है। ये तो हमारा दुर्भाग्यपूर्ण है, पहले भी सरकारें करती आ रही हैं और अभी भी सरकार कर रही है, क्योंकि लुभावन लोगों को देकर ही लोगों को जो है बरगलाया जाता है। इससे छोटे व्यापारियों को क्या क्या नुकसान होने वाला है? देखिए हम लोगों ने कहावत सुनी थी कि बड़ा मछली जो है वो छोटा मछली को खा जाता है, इसी तरह बड़े व्यापारी जो है वो छोटे व्यापारियों को ख़त्म कर रहे हैं। आज मसलन जो बिस्कुट 30 रुपये पैकेट मिलता है बाजार में वो रिलायंस वाले 19 रुपये में दे रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि लोग रिलायंस वाले के पास जाएंगे या छोटे दुकानदार के पास जाएंगे। उसकी MRP 30 रुपये है, उसको 1 रुपया बच रहा है, वो रिलायंस वाले 19 रुपये में कैसे बेच रहे हैं या तो वो बता पाएंगे, या तो वो बल्क में माल उठा रहे हैं या उनको फैक्ट्री वाले दे रहे हैं या वो डुप्लीकेट माल बेच रहे हैं या क्या चक्कर है या तो वो बता पाएंगे, लेकिन छोटे दुकानदार बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और ये बजट में हम लोग देख रहे हैं इसमें प्रावधान किया गया कि रेल को कैसे बेचा जाए और ECL को कैसे बेचा जाए, ये चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन कैसे किया जाए। और ये प्राइवेट वाले लोग जब आकर हावी हो जाएंगे ना, हम लोगों ने देखा था कि ईस्ट इंडिया कॉरपोरेशन इंडिया में केवल कारोबार करने आया था, वो आप लोगों को फ्री में चाय पिलाकर कितने रुपये किलो का चाय बेच रहा आप देख लीजिए। रिलायंस वाले ने फ्री में आपको जियो सिम दिया और आज कितना आपसे चार्ज ले रहे हैं ये आप देख लीजिए। तो उसी तरफ आज देश बढ़ रहा है, देश को बड़े जो व्यापारी हैं बड़ी मछली है वो छोटी मछली को आज निगलने का काम करने जा रही है। धन्यवाद।